शाहरुख खान पर टिकी बॉलीवुड की आखिरी उम्मीद। पठान हुई फ्लॉप तो कई एक्टर छोड़ देंगे मुंबई। हिट कराने के लिए इलेक्शन जैसा तगड़ा प्लान। फर्स्ट डे फर्स्ट शो पर 50,000 लोगों की वॉच पार्टी। दुबई से लेकर भारत तक तैयारी। दुनिया के चौथे सबसे अमीर एक्टर कैसे बने शाहरुख खान। बॉयकॉट से बचाने पूरा बॉलीवुड मैदान में। कुत्ते का हाल देखकर खाया खौफ। अफ्रीका में सोशल मीडिया पर हो रहा प्रमोशन। तेरा क्या होगा पठान। शाहरुख खान की पठान फिल्म को हिट कराने पूरा बॉलीवुड गैंग जमीन पर उतर आया है। सुनील शेट्टी बेटी की शादी की तैयारी छोड़ योगी से हाथ जोड़कर मदद मांग रहे हैं। फैंस के बहाने 50,000 टिकट खरीदे जा रहे हैं। अफ्रीका से सोशल मीडिया पर प्रमोशन हो रहा है। IMDB की लिस्ट आ रही है। बेटी सुहाना को सामने किया जा रहा है। शाहरुख खान को टॉम क्रूज से आगे बताया जा रहा है। और ये सब क्यों किया जा रहा है? क्योंकि पठान को हिट कराना है। मृत्यु शैया पर पड़े बॉलीवुड को जीवित कराना है। हाय रे पैसा, क्या क्या नहीं करवा देता। जो बॉलीवुड 4 दिन पहले तक दर्शकों को धमका रहा था, कह रहा था नहीं देखनी फिल्म तो मत देखो, वो अब वॉच पार्टी करवा रहा है। बाबा के आगे हाथ फैला रहा है। सब पैसे की माया है रे बाबा। बात इतनी भर नहीं है, इसके पीछे बड़ा तगड़ा प्लान है। इसे समझिए, जिस तरह से राजनीति में चुनाव जीतने के लिए बड़े बड़े प्लान बनाए जाते हैं, ये उससे भी जबर प्लान है। देखिए जो 50,000 फैंस के नाम पर टिकट बेचे जा रहे हैं, जाहिर सी बात है वो 50,000 लोग बाहर आकर फिल्म की तारीफ ही करेंगे। पहले दिन पहला शो देखने के बाद वो फिल्म की जब तारीफों के पुल बांधेंगे तो लोग सोचेंगे यार ऐसा क्या है, चलो देख कर आते हैं। फिल्म को हिट करने के लिए देखिए कैसे कैसे प्लान बनाए। अफ्रीका के एक किली पॉल को तो आप जानते ही हैं, सोशल मीडिया पर भारतीय गानों पर डांस करते हैं और उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग है। वो शाहरुख खान के गानों पर डांस कर रहे हैं। IMDB की लिस्ट अभी क्यों आई है जिसमें मोस्ट अवेटेड फिल्म पठान को बताया गया है, उसी में शाहरुख खान की बेटी सुहाना की फिल्म को भी जोड़ा गया है ताकि वहाँ से पब्लिसिटी हासिल की जाए। एक लिस्ट और आई है जिसमें शाहरुख खान ने कमाई के मामले में जैकी चेन और टॉम क्रूज को पीछे छोड़ दिया है और दुनिया के चौथे सबसे अमीर एक्टर बन गए हैं। भाई 4 साल से शाहरुख की कोई फिल्म नहीं आई तो कहाँ से हुई इतनी कमाई। खैर कमाई से हमें और आपको क्या लेना देना, कहीं से भी हो, लेकिन आपको ये जरूर समझना चाहिए कि पठान के लिए पूरा बॉलीवुड क्यों उतरा है। दरअसल जब से सुशांत सिंह राजपूत की मौत हुई और इस चमकती दमकती दुनिया के राज जनता के सामने खुले तो फिल्मों का बॉयकॉट होना शुरू हो गया। पहले बॉलीवुड ने इसे बड़े हल्के में लिया, बाहर से आए एक्टर्स का प्रोपेगेंडा बताया, फिर कहा कि लोग किसी भी फिल्म को देखने नहीं जा रहे हैं। लेकिन साउथ की फिल्मों ने जमकर पैसा कमाया। RRR जैसी सुपर डुपर हिट फिल्में आई, लेकिन जब साउथ के हीरो ने अनन्या के साथ फिल्म बनाई तो फ्लॉप हो गई। अभी अर्जुन कपूर की कुत्ते फिल्म आई है जो सुपर फ्लॉप हो गई है। उन्होंने ही कहा था कि बॉयकॉट को हमने बहुत बर्दाश्त कर लिया, जबकि पिछले हफ्ते ही साउथ की 4 फिल्मों ने जोरदार कमाई की है। कुत्ते फिल्म को लेकर KRK ने कहा है कि इसे कुत्ते भी देखने नहीं गए। बॉलीवुड को ये सब देखकर समझ आ गया कि बॉयकॉट कोई गैंग नहीं है बल्कि जनता का निकल रहा गुस्सा है, जिससे निपटने के लिए उन्होंने हाई प्रोफाइल सीक्रेट प्लान बनाया है। दुबई से लेकर अफ्रीका तक शाहरुख खान अपनी फिल्म पठान को लेकर घूम रहे हैं। पत्रिकाओं से लेकर टीवी और सोशल मीडिया तक पर सिर्फ पठान की बात करवा रहे हैं। पूरा बॉलीवुड एक खान की फिल्म को बचाने के लिए जनता के सामने उतर आया है। ये पहली बार ही है जब बॉलीवुड किसी फिल्म को हिट कराने के लिए इतना जोर लगा रहा है, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये भी फ्लॉप हो गई तो कई लोगों को अपनी दुकानों के शटर गिराने पड़ जाएंगे और खाने के भी वांदे हो जाएंगे।